धर्म पिताए आए सुख शांति स्थापन करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन दुनिया दुख की ओर गई। द रिलीजियस फादर्स केम एंड ट्राइड टू रिस्टोर हैप्पीनेस एंड पीस बट द वर्ल्ड मूव टूवर्ड्स सोरो। सुख शांति नहीं स्थापन हो पाई। दे कुडंट रिस्टोर हैप्पीनेस एंड पीस। तो जो कोई दूसरा नहीं कर सका वो काम आकर के वो कमाल करने वाला धर्म पिता कर देता है। द रिलीजियस फादर हु परफॉर्म्स वंडर कम्स एंड डज व्हाट अदर्स कुडंट डू। इसलिए वो भगवान कहा जाता है। जो मनुष्य नहीं कर सकता उस कार्य को जो कर देता है वो भगवान कहा जाता है। दिस इज व्हाई ही इज कॉल्ड गॉड। द वन हु परफॉर्म्स द टास्क विच अ ह्यूमन बीइंग कांट डू इज कॉल्ड गॉड। इस नरक की दुनिया को स्वर्ग किसी नहीं बना पाया। नो वन कुड मेक दिस वर्ल्ड ऑफ हेल इनटू हेवन। तो जिसने आकर के इस दुनिया को नरक को स्वर्ग बना के दिखा दिया, जिस स्वर्ग के लिए सभी लालायित है। द वन हु केम एंड ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड ऑफ हेल इनटू हेवन फॉर विच एवरीवन डिजायर्स ईगरली। हिंदू तो स्वर्ग को मानते ही है। द हिंदू सर्टेनली बिलीव इन हेवन। मुसलमान इस्लामी लोग भी मानते हैं। द मुस्लिम्स एंड द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम ऑल्सो बिलीव इन इट। वो भी कहते हैं जन्नत। दे ऑल्सो कॉल इट जन्नत। उनके शास्त्रों में भी जन्नत के सुखों का बहुत वर्णन है। देर आर मेनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ हेवन इन देयर स्क्रिप्चर्स एज वेल। क्रिश्चियन लोग भी उसको नाम देते हैं पैराडाइज। लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। द क्रिश्चियंस ऑल्सो कॉल इट पैराडाइज सेइंग देयर वॉज द किंगडम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हमारे यहाँ कहते हैं वैकुंठ। एंड वी कॉल इट वैकुंठ हियर। तो सभी की इच्छा है। सो एवरीवन डिजायर्स फॉर इट। नास्तिकों को छोड़ करके और सभी धर्म वाले उस परमात्मा की जो रचना है वैकुंठ है स्वर्ग है उसको सब मानते हैं। सब ऐसे हैं जिन्होंने उसमें सुख भोगा है। अपार्ट फ्रॉम द एथिस्ट्स द फॉलोवर्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स बिलीव इन द क्रिएशन ऑफ द सुप्रीम सोल नेमली वैकुंठ हेवन। ऑल ऑफ देम हैव एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस इन इट। तो जिन्होंने स्वर्ग के सुख भोगे हैं वो ही स्वर्ग के सुखों का वर्णन अपने अपने शास्त्रों में कर दिए। Those who have experienced the happiness of heaven, they themselves have described it in their scriptures. भोगने वाले कौन हुए? Who are those who experienced it? स्वर्ग के सुख भोगने वाले वो ही होते हैं जिन्होंने उस निराकार को साकार में पहचान लिए। Only those who have recognized that incorporeal one in the corporeal one experience the happiness of heaven. पहचान लिया, मान लिया और उस रास्ते पर चल पड़े। They recognized him, believed him, and followed his path.